हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं, वो वीवो का न्यू लॉन्च किया हुआ Y200 Pro 5G, फर्स्ट टाइम इन वाई सीरीज कार्ब डिस्प्ले। जिसके कलर की अगर हम बात करेंगे तो ये दो कलर में आप लोगों को मिलेगा, एक है सिल्क ग्रीन और सिल्क ब्लैक। सिल्क ब्लैक का जो थिकनेस है 7.49 mm और वेट है 172 ग्राम। सिल्क ग्रीन जो है उसका थिकनेस है 7.57 mm, 183 ग्राम वेट के साथ मिलेगा। इसका डिस्प्ले में अगर हम देखेंगे तो 3D कार्ब एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 6.78 इंच का, जिसका रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस 120Hz। और इसके फ़ोन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रोटेक्शन दिया हुआ है IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, जिसका थोड़ा बहुत आप लोगों का हेल्प तो मिलने वाला है। और इसका कलर की अगर हम बात करेंगे तो ये सिल्क ग्रीन जो कलर है वो देखने में काफ़ी अच्छा और शानदार लगता है, ग्लोजी फिनिश के साथ मिलता है। और इसकी कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो कैमरा भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसका जो अभी सेटिंग वगैरह आप लोगों को दिखा रहा है, ठीक है, वो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें मिलता है 8GB और 128GB रोम के साथ। और इसका प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 695 2.2GHz 6nm चिपसेट के साथ। इसका गेमिंग GPU है क्वालकॉम एड्रिनो TM GPU। 5000 mAh का बैटरी मिलता है इसमें 44W फ्लैश चार्ज के साथ, जो 50% चार्ज होने में आपका टाइम लगा 28 मिनट और 100% चार्ज होने में टाइम लगा 68 मिनट। और इसकी अगर कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो कैमरा भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसमें आप लोगों को मिलता है 64 मेगापिक्सल वॉयस एंटी शेक नाइट कैमरा 2 मेगापिक्सल बोके के साथ। और इसकी फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो मिलते हैं 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। और इसका सुपर मून 5x to 10x अप कर सकते हो, जो सुपर मून मोड है। 2x फोकल लेंथ मिलता है इसमें। और इसकी फ्लैश जो यहाँ पे वीवो ने यूज़ किया है, उसका फ्लैश का नाम है क्रिस्टल लैम्प फ्लैश दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कैमरा क्वालिटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे दिखने को मिलता है। और मुझे थोड़ा बहुत जहाँ पे इस फ़ोन का मतलब 25,000 में जो प्रोसेसर इन लोगों ने दिया हुआ है 695, वो बहुत पुराना प्रोसेसर है, ठीक है। तो इसके अलावा ओवरऑल अगर आप फ़ोन की बात करेंगे तो फ़ोन में बहुत बढ़िया सब कुछ फीचर दिया हुआ है। अभी आप लोगों को कैसा लगा ये फ़ोन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को एक बार कैमरा ये आपके दिखा देता हूँ जूम करके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसा पिक्चर आ रहा है। इसमें 10x तक ही कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। अभी इसका मैं पिक्चर दिया, अभी देखो इसका क्वालिटी वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा बहुत तो मुझे सही लगा कैमरा, ये 64 मेगापिक्सल वॉइस कैमरा दिया हुआ है। इसका फ्रंट कैमरा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ आप लोगों को। वन हैंड से वीडियो कर रहा हूँ इसलिए फ्रंट कैमरा दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट कैमरा कैसा दिख रहा है। फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सही है। अभी इसमें देख सकते हो यहाँ पे आप कैसा दिख रहा है फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा भी सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों को ये डिवाइस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।